विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के मीटर रीडर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी संख्या में मीटर रीडरों ने प्रदर्शन किया। प्रांतीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के ज्वाइनिंग लेटर ईपीएफ और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक सैलरी निर्धारित समय से नहीं मिल रहा है। अगर मीटर रीडरों से काम लेना है तो पिछला बकाया दिया जाए और वेतन निर्धारित किया जाए, तभी मीटर रीडर कार्य पर वापस लौटेंगे। जब तक हमारा शोषण बंद नहीं होगा हम कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में सभी डिवीजनों के विद्युत मीटर रीडर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप श्रीवास्तव ने कहा, विद्युत मजदूर पंचायत जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, मीटर रीडर का वेतन दो, विद्युत मजदूर पंचायत जिंदाबाद, मीटर रीडर संघ जिंदाबाद। अभी निर्णय नहीं निकल पाया, कल शाम को जो है ABCIT कंपनी के जो एक डायरेक्टर मैनेजर लोगों से वार्ता हुई, करीब एक डेढ़ घंटे तक वार्ता चली, तो वार्ता विफल हो गया। वो कह रहे थे कि 4.90 रुपये हमारा अधिचरण अभियंता से 2 महीने पहले जो बात हुआ था वो 2 महीने बाद हम लागू करेंगे, उसको वेतन में देंगे। लेकिन जो हमारे कर्मचारियों की मांग थी कि आप एक न्यूनतम वेतन तय कर दीजिए, जो भी 1400 बिल निकालना है हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि हमारा 10.28 रुपये पर टेंडर हुआ है, वो अपना एग्रीमेंट दिखाए सब कुछ, लेकिन हम लोगों का अभी वार्ता उस पर तय नहीं हो पाया। 5.5 रुपये का बाद में हम लोगों ने तय किया कि चलिए 5.5 रुपये तक आप कर दीजिए, फिर भी कर्मचारी आपका काम करने लगेंगे, और जो पिछले का पैसा नहीं दिए हैं उन लोगों का 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनका पैसा भिजवा दीजिए खाते में। तो ये सब चीज़ें भी शाम को तय नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी फिर आज 5वें दिन कार्यबहिष्कार पर हैं। मुख्य मांग क्या है? अब मुख्य मांग यही है कि अगर काम लेना है इनसे मीटर रीडरों से तो इनका वेतन तय किया जाए, और अगर नहीं करते हैं, और पिछला अभी जो CI कंपनी का 2 महीने का वेतन नहीं मिला है इनको, वो भी अधीक्षक अभियंता ने आश्वासन दिया था कि आपके पास जो मशीनें रखी हुई हैं आप मशीन रखे रहिए और जब वो आपको पैसा मिलेगा तो मशीनें वापस करिएगा, लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि अधीक्षक अभियंता और ठेकेदार के बीच ये घालमेल किया जा रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ भी वो सरोज के जो मैनेजर है उसके खिलाफ FIR करेंगे। ये हमारे डिवीजन 1st, 2nd, 3rd, 4th के हैं, और हमारे साथी संत कबीर लेकर के भी कल आए थे, बस्ती के साथी भी आ जाएंगे, मतलब महाराजगंज के भी, मतलब पूरे दोनों जोन के मीटर रीडरों का कार्य बहिष्कार चलेगा। संदीप श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री, विद्युत मजदूर पंचायत, गोरखपुर।